आओ सूरज, मैंने तुम्हें पूछा था कि 21 तारीख की रात को ठीक 12:45 पर तुम कहां थे, और तुमने जवाब दिया था कि मुझे कुछ याद नहीं। अपन बोला था ना साहब, आप जो पूछेगा अपन बता देगा। तुम क्या बताओगे, मैं बताता हूं। अपनी बाईं तरफ देखो, उल्लू के पट्ठे साले। हाँ, ये वही उल्लू के पट्ठे हैं जिनके लिए तुमने फाइल चुराई थी, और मैंने इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें भागने का मौका दिया। हाँ, ये फाइल गौर से देखो इसे। ये वही फाइल है ना जो तुमने मेरे घर से चुराई थी। लेकिन अफसोस, तुम्हारी चोरी इनके कोई काम नहीं आ सकी, क्योंकि ये फाइल नकली है। असली फाइल तो पुलिस रिकॉर्ड रूम के सेफ में। मान गए साहब, आप दिलेर भी हैं और होशियार भी, लेकिन अपन पर मर्द आदमी है क्या? अपन अपने जुर्म से इनकार नहीं करेगा? लो, गिरफ्तार कर लो साहब, कर लो साहब। नहीं सूरज, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी और कानून की पहचान कराना चाहता था। मेरे घर से फाइल चोरी करके तुमने एक तरह से मेरी मदद की। मैंने तो खुद तुम्हें फाइल ले जाने का मौका दिया, मुझ पे हाथ उठाकर तुमने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने खुद तुम्हें हाथ उठाने पर मजबूर किया था, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो लोग वर्दी पहनते हैं उनके बाजू में वर्दी की इज्जत निभाने की ताकत भी होती है। जुर्म और मुजरिम जहां भी हो, मेरे हाथ उनको दबोचना अच्छी तरह जानते हैं। देखा साहब, देखा, आप जो कुछ दिखाना चाहते हैं ना अपन अच्छी तरह से देख लिया साहब। लेकिन अब मैं तुम्हें चोर के रूप में ना देखूं, ये पाप की दुनिया छोड़ दो, क्योंकि आज के बाद चोरी करते हुए पकड़े गए तो माफी नहीं सजा मिलेगी, समझे? समझ गया साहब, बिल्कुल समझ गया। लेकिन साहब, अपन का दिल में एक छोटा सा बात आया है, बुरा ना माने तो बोल दूं? हाँ बोलो साहब। जितनी इज्जत, जितना प्यार आपको अपनी इस वर्दी से है ना साहब, उतना ही प्यार अपन को चोरी के धंधे से है साहब। अपन चोरी से तौबा नहीं कर सकता। हाँ, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपन को रंगे हाथ पकड़ कर अंदर कर दो। लेकिन साहब, अभी ऐसा होएगा नहीं। सूरज आपको अच्छी तरह से समझ गया है, अभी अपन आपका चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं है साहब। क्या बच्चे चैलेंज कर रहे हो? नहीं साहब नहीं, अपन छोटा सा चोर, अपना क्या वैल्यू की हम आपको चैलेंज करेगा। आपने अपना पहचान करवाया, हमने अपना पहचान करा दिया। साहब आप कानून की दुनिया का नहला है ना, तो अपन पन पाप की दुनिया का छोटा सा दहला दहला साहब। विजय, अरे तू कहाँ छुपा बैठा है? बस अंकल, एक जरूरी फाइल बना रहा हूँ। अरे छोड़ इसे, पहले मुझे अपना माथा चूम लेने दे। जानता है आज सारे पुलिस डिपार्टमेंट में तेरी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं, और अभी अभी आईजी साहब मुझे क्लब में मिले थे, वो तेरी तरक्की के लिए सिफारिश करने वाले। मेरी असली तरक्की तो उस दिन होगी अंकल, जिस दिन मैं पाशा को पकड़ के आपकी जेल में वापस पहुंचाऊंगा। पाशा? तुम क्या जानते हो पाशा के बारे में? सिर्फ इतना कि उसके अलावा आपकी जेल से कभी कोई कैदी नहीं भागा। छोड़ो भी बेटा, कितने साल बीत गए, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। जब से वर्दी पहनी है, मेरी एक ही तमन्ना है, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो पाशा के बारे में मुझे बता सके। सूरज, मैं सोचती हूँ कि अब हम दोनों को हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। तुम अपने मम्मी डैडी को मेरे घर भेजो ना। आरती, अपन के तो सिर्फ बाबा हैं, और वो अपन डरते हो उनके सामने अपने प्यार की बात करते? नहीं आरती, अपन अपन के बाबा से नहीं डरता, डरता तो तुम्हारी मम्मी से, कहीं वो इस रिश्ते से इनकार ना करते। वो क्यों इनकार करने लगी? बात यह है कि बोलो ना आरती, बात यह है कि मैं एक चोर हूँ। विजय, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ आरती, मैं ठीक कह रहा हूँ। ये आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है, झूठे प्यार का नाटक रचाकर तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। इंस्पेक्टर विजय, तुम मेरे प्यार के रास्ते में दीवार बनना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या करती है चमेली? अपन किधर है? अपने कमरे में। और आरती? बंगले पे। और इंस्पेक्टर विजय? अपने पुलिस स्टेशन पे,
अरे गुरु, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इंस्पेक्टर विजय से मत भिड़ो, वो तुम्हें सपने में भी आराम नहीं करने देगा। अरे छोड़ना यार, अपन तो एक बहुत अच्छा सपना देख रहा था। हाँ यही ना, कि इंस्पेक्टर तुम्हें लॉकअप में उल्टा लटका के तुम्हारी पिटाई कर रहा है ना। नहीं दोस्त, वो अपन के साथ थी, वो अपन के साथ शादी करना चाहती है। सपने में देख लेना।